मीडिया में तो साबित किया जा चुका है कि मैंने उसी लड़की ने सुशांत सिंह को मैंने आत्महत्या के लिए बाध्य किया, और ये भी माना जा रहा है कि उसका सारा पैसा जो है खा गई वो, और जो भी संपत्ति बनाई है वो उसकी कमाई नहीं है बल्कि सुशांत की कमाई है। जब आपने सीबीआई को दे दिया है, महाराष्ट्र की पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, महाराष्ट्र की पुलिस ईमानदारी के साथ जांच पड़ताल नहीं करेगी, तो फिर सीबीआई का रिकमेंडेशन जो है बिहार के मुख्यमंत्री ने किया और भारत सरकार ने तत्काल उसको मान लिया। अब उसके बाद जिस ढंग से इसको मुद्दा बनाया जा रहा है, ये हमारे जैसे आदमी को चिंता होती है कि कहीं महाराष्ट्र और बिहार के बीच में टकराव की स्थिति तो नहीं पैदा की जा रही है। और हमारे यहाँ के मैंने हजारों गरीब गुरबा लोग वहाँ जा कर के मैंने कमाई करने के लिए महाराष्ट्र में जाते हैं। अगर इस तरह की स्थिति पैदा होगी तो ये भी देखना चाहिए कि भाई एक होस्टाइल वाला एटमोसफियर जो है हम लोग मैंने उनके खिलाफ जो है पैदा कर रहे हैं महाराष्ट्र में। अपने यहाँ हमारी स्थिति नहीं है कि हम सबको रोजगार दे पाएँ, जो वहाँ गए हैं कम से कम वो उनको उनके लिए हम असुरक्षा का वातावरण वहाँ नहीं पैदा कर रहे हैं। सीबीआई को दिया गया है, इंतजार करना चाहिए सीबीआई के जांच का। भारत सरकार जो है वहाँ दिल्ली में है और सीबीआई कहीं से मैंने महाराष्ट्र सरकार के पक्ष तो नहीं ही लगी, इतना तय है। इसे थोड़ा धीरज रखकर इंतजार करना चाहिए। संजय रावत ने कहा है कि अगर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है तो यह उनकी मजबूरी है, यह केंद्र के अंतर्गत आता है और सरकार की अपनी मजबूरियां हैं। बिहार सरकार ने एक सिफारिश की जब उनका इस मामले में कोई लेना देना नहीं था, उन्होंने एक गाना गा के कहा मेरे अग्नि में तुम्हारा क्या काम है, जांच यहाँ हो रही थी। अब ये तो कहा ही जा सकता है कि घटना अवसल तो वही है, माने आत्महत्या या हत्या जो कुछ भी है ये तो वही हुआ है, तो ऐसे स्वाभाविक रूप से लगता है कि माने एक थाना दूसरे थाना के ज्यूडिक्शन को लेकर के माने हम लोगों के यहाँ झंझट हो जाता है कि नहीं साहब ये हमारे इलाके में घटना नहीं हुई है। अगर हम अपने यहाँ एफआईआर दर्ज भी करते हैं तो उसी थाने को भेज देते हैं जहाँ वाकया हुआ है, तो वाकया हुआ वहाँ तो जांच तो वहीं की पुलिस को करना चाहिए। लेकिन सरकार पर कई तरह का प्रेशर होता है, दबाव होता है, उस दबाव के चलते यहाँ भी एफआईआर दर्ज हुआ, एफआईआर दर्ज हुआ, लेकिन जिस ढंग का वातावरण बना वो ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सीबीआई जांच से क्यों डरते हैं? इस मामले में बड़ी संख्या में लोग हमको शामिल ऐसा हैं। हमको महाराष्ट्र सरकार उन आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है या जदयू का कहना है? हमको कोई नहीं लग रहा है कि ये कोई ऐसी राष्ट्रीय समस्या है कि इसके बारे में 50 तरह के सवाल का हमको जो कहना था इसके बारे में हम कह चुके। देश में दक्षिणी पश्चिम मानसून और वर्तमान बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए अपनी तैयारियों की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की है। नहीं, ठीक किया है, लेकिन सिर्फ बात ही नहीं हो, इन राज्यों को सहायता भी मिलनी चाहिए। अब हम ही लोगों के यहाँ बिहार में जो है मैंने 60-70 लाख की आबादी जो है प्रभावित है, कई जगह जो है बांध टूट गया है, सड़कें टूट गई हैं, कितने मैंने लोगों का नुकसान हुआ है, घर द्वार जो है ये हो गया है, नदियों में कटाव हुआ है, खास करके गंगा में कटाव हुआ है, कई जगह मैंने बना बनाया मकान जो है एकदम चला गया है अंदर। तो ऐसी हालत में अगर भारत सरकार मदद नहीं करेगी तो राज्य सरकारों के पास क्या मैंने रिसोर्स है जिसके चलते इतना जो नुकसान हुआ उसकी वो भरपाई करे। तो प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, स्वागत है, लेकिन सिर्फ बातचीत नहीं हो, धरातल पर दिखाई दे कि हाँ साहब भारत सरकार भी ये जो विभीषिका है, प्राकृतिक जो आपदा आई है उसके लिए मैंने राज्यों के साथ खड़े हैं। राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगर हम खुद भारत के भीतर चीजों का निर्माण करने में सक्षम हो जाते हैं तो हम देश की का बहुत बड़ा हित करेंगे, एक बड़े हिस्से को बचाने में सक्षम होंगे, जो पैसा बचेगा, जो ये होगा
उन्होंने कहा कि उस पूंजी की मदद से रक्षा उद्योग से जुड़े लगभग 7000 एमएसएमई को प्रोत्साहित किया जा सकता है। नहीं ठीक है, घर में मैंने निर्माण का कार्य हो ये अति उत्तम है। मतलब हम लोग सबसे बड़े आयातक हैं, जो युद्ध सामग्री के सबसे बड़े आयातक हैं, और जो परिस्थिति बनी हुई है चारों तरफ, वो परिस्थिति जो है वो हमारे लिए एक चुनौती है। लेकिन साथ साथ हम ये भी करेंगे कि सिर्फ हथियार ही नहीं, घर को भी मजबूत किया जाए। घर में मैंने पूरी की पूरी हमारी जो आबादी है, 138 करोड़ की आबादी है, उस आबादी को आप एकजुट रखिए। जिस तरह का वातावरण देश के अंदर है, वो देश की सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, शुभ नहीं माना जाएगा। जिस तरह की राजनीति जो है मैंने भारत सरकार कर रही है, वो राजनीति जो है देश के हित में नहीं है। और इतनी बड़ी चीन की जो चुनौती है हमारी, वो चीन की चुनौती को राजनाथ सिंह जो बयान दे रहे हैं, उससे दो दिन में वो समाधान उसका नहीं होने वाला है। ये समय लगेगा आपको आत्मनिर्भर जो है हथियार में बनने में। और आपके यहाँ जो है मैंने जिस तरह से की गरीबी है, जिस तरह की मैंने बेरोजगारी है, उसमें मैंने एक तरफ वो भी चुनौती है आपके सामने, तो आप बहुत मैंने कंफर्टेबल स्थिति में आप नहीं है। तो इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। पिछले 24 घंटों में हमारे देश में 62,064 कोरोना पॉजिटिव के मामले अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा हुए, वहीं 1,007 मौतें हुई हैं पिछले 24 घंटे में। यह जो अभी तक के आंकड़े हैं उसके हिसाब से 634,945 सभी सक्रिय मामले हैं, और कुल मिलाकर के देखा जाए तो 22,15,075 मामले पहुंच गए हैं इंडिया में। चिंताजनक है ही, लेकिन इसका उपाय नहीं है और ये बढ़ेगा। ऐसा नहीं है, आप जैसे जैसे आपका टेस्टिंग बढ़ रहा है, वैसे वैसे सक्रिय मामले जो है उनकी संख्या बढ़ रही है, और उसमें मृत्यु दर भी बढ़ रहा है। हमारे लिए राहत की बात यही है कि दुनिया के अन्य मुल्कों के मुकाबले हमारे यहाँ मृत्यु दर कम है। तो इसके अलावा आपके सामने कोई उपाय है नहीं। इस बीच जो भी समय मिल रहा है, इस बीच में हम लोग कोशिश करें कि स्वास्थ्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम दुरुस्त कैसे करें। और चिंताजनक बात यह है कि धीरे धीरे गांव देहात की ओर कोरोना जो है अपना पैर पसार रहा है। बिहार में भी जो खबर आ रही है, गांव देहात में शुरू हो गया है छिटपुट। शहर में तो थोड़ा बहुत दिखाई भी देता दे रहा है, गांव देहात में तो हमारे पास कहीं स्वास्थ्य सरकारी स्वास्थ्य सेवा या निजी स्वास्थ्य सेवा भी उपलब्ध नहीं है। कई जगह मैंने जो प्राइवेट स्वास्थ्य सेवा है उसमें लूट है, ये इसको देखने की ज़रूरत है। बढ़ेगी संख्या, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जिन मुल्कों में मैंने जीरो हो गया था, वहाँ भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो भारत में भी अब हम लोगों को तैयार रहना चाहिए मानसिक रूप से कि ये संख्या जो है बढ़ेगी।